दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 2024 में बहुत ही अच्छे हैं और इनकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रही है, इसी के साथ में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी यहां पर ये दे रहे हैं। ठीक है, आखिर आपको इतना रिटर्न अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ 48,000 रुपये तक का यहाँ पर रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड के बारे में। इसी के साथ में उसके अंदर रिस्क तो है ही नहीं। इसी के साथ में मैं आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में और बताऊंगा। इस वीडियो में आपको दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं और दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। SBI कंट्रोल फंड जो कि रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब इसकी जो NAV है वो है यहां पर 327.13, ठीक है। अब ये NAV क्या होती है काफी लोगों को पता नहीं होता है। NAV की फुल फॉर्म है नेट एसेस वैल्यू और NAV अगर घटती है तो कहने का मतलब है NAV एक यूनिट होती है। अब यूनिट किस तरीके से यहां पर ये बनती है, जैसे ही ये स्कीम यानी कि SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है, यह एक SBI की स्कीम है। अब ये जब भी स्कीम यहाँ पर ओपन हुई होगी तो इसके अंदर कुछ फंड ऐड किया गया होगा, उस फंड में जितनी भी 10 रुपए के हिसाब से NAV बनी होंगी, ठीक है, यूनिट वो यहाँ पर ऐड कर दी गई होंगी। अब इसके अंदर जो भी पैसा था जो कि इसका फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग कंपनियों के शेयर जैसे कि बहुत सारे गोल्ड है, ठीक है, वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी किस समय ग्रोथ करेगी, ठीक है, वो पैसा कहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो जो फंड मैनेजर है उस पैसे का यूज करता है और उनके कंपनियों के शेयर जैसे कि गोल्ड खरीदना और भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी हम अगली अभी जानेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से जो NAV है वो यहाँ पर हाई होती जाती है। अब इसी के साथ में ये नहीं है कि NAV यहाँ पर घटती नहीं है, NAV भी घटती है। अगर आपको कोई जो नाला है अगर वो बड़ा है, ठीक है, तो आपको उसे पार करने के लिए पीछे हटना होगा, ठीक है, तभी आप उसे पार कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो NAV है 2-4 घटती भी है, उसके बाद में यहाँ पर 5-6 बढ़ती भी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस कुछ काम करता है। उसके बाद में इसके फंड है जो भी इसके अंदर पैसा ऐड हुआ हुआ है यहाँ पर आ जाता है 21,481, ठीक है, यानी कि करोड़ इसके अंदर फंड है, ठीक है। इसकी जो रेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.64 है, कहने का मतलब अभी ये ग्रोथ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप रिस्क देख सकते हैं, यहाँ पर वेरी गुड परफॉर्म दिया है और आप देख सकते हैं 5 रेटिंग्स हैं यहाँ पर 0.2 की, ठीक है। तो इसके अंदर जो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, मैंने 3,50,000 रुपए यहाँ पर निवेश किया था और आज कम से कम यहाँ पर जो मेरा रुपए होगा वो होगा कम से कम 4,00,000 से पार होगा ऊपर ही, ठीक है। तो 4,00,000 से मेरा होगा करीब 20 के आसपास होगा, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर जो पैसा है वो कहाँ कहाँ निवेश होता है। गोल्ड में होता है, स्टॉक खरीदे जाते हैं, स्टॉक और शेयर एक ही बात होती है, ठीक है, काफ़ी लोगों को ये पता ना हो क्योंकि शेयर स्टॉक क्या क्या होती है यानी कि अलग चीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है, शेयर और स्टॉक एक ही चीज़ होती है, किसी भी कंपनी के शेयर बाय करना, ठीक है, इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। इसी के साथ में म्यूचुअल फंड सर्चिंग, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पैसा इन्वेस्ट होता है। इसी के साथ में आप यहाँ पर ऑन टाइम में पैसे को निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि कैलकुलेटर पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पर 10,000 1,00,000 अगर हम 1,00,000 रुपए यहाँ पर ऐड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है 2023 से लेके 2024 तक इसने 46% तक का यहाँ पर रिटर्न दिया है। सीधे सीधे बात कर लेते हैं, अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपए यहाँ पर निवेश किया था तो एक साल में आपको यहाँ पर 46,317 रुपए का यहाँ पर इसने प्रॉफिट करके आपको दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप इसमें SIP शुरू करना चाहते हैं तो 500 रुपए से आप इसमें SIP शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पर 500, तो इसमें आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ये 5,000 ही बता रहा है, तो आपके रुपए हो जाएंगे 60,000 और इसी के साथ में आपको 16,267 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा एक साल में, ठीक है।
तो आप यहां पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रॉफिट होगा इसी के साथ में आपका जो रिटर्न है वो आप यहां पर देख सकते हैं कितना बन गया है, ठीक है। तो अगर आप यानी कि वन टाइम में पैसे को निवेश करते हैं तो आपको यहां पर अधिक प्रॉफिट होगा, ठीक है। और SIP आप शुरू करते हैं तो हालांकि आपको मिल तो यहाँ पर अधिक रहा है रिटर्न, पर यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि वो पैसा शुरू में ही एकदम जमा हो जाता है इस वजह से। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई दी है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक वीक में आखिर इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, इसी के साथ में एक मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तीन मंथ में इन्होंने 20.21 तक यहाँ पर रिटर्न दिया है, छः मंथ में इन्होंने 20 से लेकर 21 तक यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं हम दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में। दूसरा म्यूचुअल फंड आ जाता है SBI का ही है, और हेल्थ केयर ऑपर्चुनिटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। आप जानते हैं कि हेल्थ केयर में अगर जो आपका पैसा जा रहा है वो कभी भी लॉस पे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बीमारियाँ हैं वो अधिकतर बढ़ रही हैं, और जो पैसा है वो आपका ऐसी ही कंपनियों में जा रहा है जैसे कि फार्मेसी है, ठीक है, और जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, तो ऐसी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो पैसा निवेश करता है। तो आप जानते हैं कि जो बीमारियां हैं वो तो सदा हमेशा रहेंगी ही, और जो दवाइयां हैं वो आपकी हमेशा बिकेंगी ही। तो इसमें सीधे सीधे जो रिस्क भी है वो आप देख सकते हैं, यानी कि नॉट रिस्क, यानी कि इसके अंदर रिस्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कितना प्रॉफिट होगा, और इसकी NAV है वो आप देख सकते हैं 325.53 है। इसी के साथ में इसमें जो रुपए ऐड हुआ हुआ है यानी कि फंड है, जो कि आप देख सकते हैं 2263 करोड़ रुपए का यहाँ पर यानी कि इसके अंदर फंड है, ठीक है। यहाँ पर 2.6 की यहाँ पर रेटिंग से है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क जीरो मैटर, यानी कि इसके अंदर रिस्क ही नहीं है। उसके बाद में आप यहां पर इसकी कैलकुलेशन भी करके दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसके साथ इसमें 1 लाख रुपए यहां पर निवेश करता हूं, और उसके बाद में देखते हैं कि ये आखिर कितना प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब तक इन्होंने यहां पर जो प्रॉफिट दिया है 2023 से लेकर 2024 तक, तो वो दिया है इन्होंने 49, ठीक है। मैंने आपको बताया था 50% तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 49% तक यहाँ पर इन्होंने रिटर्न दिया है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं तो आपको 5 या 4 हज़ार कुछ रुपए आपको मंथली यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड आपको देता रहेगा, ठीक है। अब आखिर इसमें किन लोगों को निवेश करना चाहिए, किन लोगों को नहीं चाहिए, ये आपको पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक वीक में इसने आखिर कितना रिटर्न दिया है, 0.90 से लेकर 2.3 तक, ठीक है। एक मंथ में इसने दिया है 5 से लेकर 3 तक, ठीक है, यानी कि इसने कम में कम इतना दिया है और हाई में हाई इतना दिया है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि 1 साल में, ठीक है। अब आपको यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि ये आपको देखने को मिल रहा है 1 साल में, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं 1 साल में ये है आपका अमाउंट, ठीक है। अब ये आखिर यहाँ पर से ही शुरू क्यों हुआ है, अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से पैसा यहाँ पर निकालते हैं तो आपको 10% आपको अलग से यहाँ पर टैक्स देना होता है, ठीक है। इसी के साथ में जो भी फीस होती है वो आपको अलग देनी होती है, तो कम से कम आपको 15% आपका कट जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 15% आपका समझो कट जाता है। तो आपको अगर आप इसमें पैसा निवेश कर रहे हैं तो आप 1 साल से कम के लिए मत कीजिएगा, ठीक है, वरना आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर NAV पहले से ही घटी हुई है और उसके बाद में आप यहाँ पर निकालते हैं तो आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि NAV घटती नहीं है इसमें, मुझे तो अभी तक यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और ना तो मुझे देखने को मिला है, ठीक है। जब भी मैंने यहाँ पर शुरू में पैसा निवेश किया था तब वो NAV घटी थी, और उसके बाद में मैंने लगा यार इसमें तो पैसे घटने लगे, ठीक है, तो उसके बाद में वो NAV हाई हो गई, ठीक है। उसके बाद में कभी भी यहाँ पर लॉस में नहीं दिखाया गया है, ठीक है मुझे। तो जो भी इन दोनों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें निवेश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।